प्रभात बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में मैथ्स की 5.2 एक्सरसाइज तक कर लिया था। आज हम लोग को 5.3 करना है। इसमें जो डिवीज़न है वो हमें नंबर लाइन के थ्रू करना है। जैसे बहुत इजी है बेटा, देखो 14 डिवाइडेड बाय 2, तो सबसे पहले एक लाइन में हम लोग 14 तक नंबर खींच लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने पहले एक लाइन पे 14 पार्ट्स बना लिए। कितने से डिवाइड करना है? 2 से। तो 2 के पार्ट बनाए। पहला एक पार्ट 1 से 2, ये एक पार्ट, फिर ये एक पार्ट, फिर ये एक पार्ट, फिर ये एक पार्ट, ऐसे करके 2 के पार्ट्स बना दिए। अब टोटल पार्ट्स गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पार्ट्स हो गए, तो ये आंसर हो गया 7। ठीक उसी तरह देखो 12 डिवाइडेड बाई 3, तो वहाँ से लेकर 12 तक हम, 0 से लेकर 12 तक हम लोग ने नंबर खींचे। कितने? 3 का पार्ट बनाना है, तो 1, 2, 3 का पार्ट बनाया। कितने पार्ट हो गए टोटल? 1, 2, 3, 4 पार्ट हुए, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 4। ये क्वेश्चन नंबर सी आप अपने से करेंगे, ओके। अब देखो इन्हीं को हम लोग यूजिंग नंबर लाइन डिवाइड द फॉलोइंग, इनको अब हम, मैं बता रहा हूँ कॉपी पे, ये अलग क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक पे करना है, ठीक है, ये बुक पे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी पे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कॉपी पे करना है और क्वेश्चन नंबर 4 भी कॉपी पे करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप लोग क्या करेंगे, अपना अपनी नोटबुक ओपन कर लेंगे और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए 16 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बेटा। अब देखो 16 डिवाइडेड बाई 2 करने के लिए पहले एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे, 0 से लेकर 16 तक नंबर लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, ठीक है, 2 तक। अब 2 से डिवाइड करना है तो 2 का पार्ट बनाएंगे। पहले ये 1, ये 2 पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ठीक, 2 के पार्ट बना दिए हम लोगों ने 16 तक। अब काउंट कर लो कितने नंबर हो गए, कितने पार्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पार्ट हो गए, तो इसका आंसर 8 हो गया बेटा। ठीक इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, देखो 4 × 8 = 32, ठीक। अब देखो 32 को बारी बारी से डिवाइड करते हैं हम लोग, 32 डिवाइडेड बाई 4 तो आंसर मिलेगा 8, और उसी तरह 32 डिवाइडेड बाई 8 = आंसर मिलेगा 4। इसी को बुक में भी हम लोग भर लेंगे, 32 डिवाइडेड बाई 8 तो 4 लिख देंगे यहाँ पर, और अगर 32 डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हैं तो 8 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये बाकी के आगे के क्वेश्चंस भी, अब एक और मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो 54 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 9 आएगा, और 54 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 6 आएगा। एक और देख लो, 56 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 7 आएगा, और 56 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 8 आएगा। अब देखो यहाँ देखो ये क्वेश्चन जो है बेटा, इसमें देखो ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइज़र, और ये होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिविडेंड मिलता है। तो देखो 8 × 5 तो 40 मिला। उसी तरह ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र लिखेंगे और ये आंसर हो गया। उसी तरह देखो ये क्वेश्चन है 6, ये डिवाइज़र है 8, तो 6 × 8 = 48 है, देखो ये तुम्हें क्या मिला, डिविडेंड मिल गया। इस तरह से ये तुम्हारी एक्सरसाइज 5.3 बेटा कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तब तक के लिए बाय।